हेलो एवरीवन, मैं हूं मदीहा और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदीहा। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को जो है शूट कर ही लिया जाए। तो फाइनली ये वीडियो शूट हो गई है और आप लोग देख रहे हो इसे। आज की जो वीडियो है वो है पेडिक्योर पे। मुझे बहुत रिक्वेस्ट थी कि पेडिक्योर पे वीडियो बना दीजिए, बता दीजिए कि घर में हम पेडिक्योर किस तरह से करते हैं। तो देखिए, मैंने उनसे कमेंट में भी ये कहा था, लाइव वीडियो में भी ये कहा था कि मैं कोई ख़ास प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। जैसे कि मैनीक्योर पेडिक्योर के प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं वो यूज़ नहीं करती हूँ। मेरे पास जो फेशियल का सामान होता है मेरा, मैं उसी से ही जो है उसका क्लेंज़र, उसका स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ। टाइम नहीं होता तो सिर्फ क्लेंज़र ही यूज़ कर लेती हूँ। प्रोसीजर जो है पूरा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से करती हूँ, क्या पहले यूज़ करती हूँ, क्या बाद में यूज़ करती हूँ। और एक पैर पे जो है मैं आपको जो फेशियल का सामान है वो यूज़ करके दिखाऊंगी, और एक पैर पे जो फेशियल का सामान मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, मैं आपको जल्दी से जो झटपट हो जाने वाला पेडिक्योर होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि रिक्वेस्ट मुझे यही थी कि जो जल्दी से हो जाए वो वाला पेडिक्योर जो है आप वो शेयर करिए। तो यहाँ जो है मैं एक पैर पर फेशियल किट का जो सामान होता है वो यूज़ करूँगी, और एक पैर पर होम रेमेडी जो होती है होम में जो हम बनाते हैं स्क्रब या क्लेंजर, वो मैं यूज़ करूँगी। तो दोनों का जो रिज़ल्ट होगा वो आपके सामने होगा। और अगर आप चाहें तो पेडिक्योर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यूज़ किए हैं पेडिक्योर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं, क्लेंजर, क्रीम, स्क्रब, मास्क, वो भी मैंने यूज़ किए हैं। हमारा फेशियल का प्रोडक्ट होता है जैसा उसका रिज़ल्ट आता है, उसी तरह से जो है रिज़ल्ट आता है पेडिक्योर या मैनीक्योर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका। इसीलिए मैं जो हूँ पेडिक्योर और मैनीक्योर के प्रोडक्ट्स परचेज़ नहीं करती हूँ। जो मैं होता है, जो मेरे पास फेशियल के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, मैं उसी की हेल्प से जो है अपना पेडिक्योर और मैनीक्योर कर लेती हूँ। और कुछ टूल्स भी होते हैं मैनीक्योर पेडिक्योर के, जिनकी मदद से हम आसानी से अपने मैनीक्योर पेडिक्योर कर सकते हैं, लेकिन मैं वो सब ताम तोबड़ा नहीं दिखाऊंगी आपको। मैं कुछ कुछ खास खास चीज़ें आपको दिखाऊंगी जो आप इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हैं, और जिसकी हेल्प से आप आसानी के साथ जो है अपना मैनीक्योर पेडिक्योर घर में कर सकते हैं। और मेरी जो वीडियोस होती है उसमें हमेशा से कोशिश यही होती है कि मैं आसान से आसान करके चीज़ जो है वो आपके सामने रखूँ। और थोड़ा सा शोर आ रहा है, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी जगह चेंज करी, बैकग्राउंड चेंज करा, तो जिसकी वजह से शोर आपको यहाँ पर सुनने में आएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि मेरी कोशिश होती है कि इस तरह से वीडियो आप लोगों के सामने रखूं कि आप लोगों के लिए वो चीज़ को यूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। अब मैं चाहूँ तो वीडियो बना सकती हूँ कि महंगे महंगे प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, मैनीक्योर के पेडिक्योर के महंगे महंगे टूल्स ले आऊँ, उसके ज़रिए करके दिखाऊँ। मज़ा तो तब है जो चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल है, हम उसके ज़रिए मैनीक्योर पेडिक्योर करें और रिज़ल्ट हासिल करें। हमें रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल सलोन वाला मिले, जो प्रोफेशनल रिज़ल्ट होता है वो हमें मिले। तो मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मेरा तरीका है, जिस तरह से मैं करती हूँ, पहले कौन सा स्टेप करती हूँ, सेकेंड स्टेप कौन सा होता है। हर किसी का जो है तरीका वो अलग होता है, लेकिन मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मेरा तरीका है। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को टूल्स दिखा दूँ। ये सारे स्क्रबर हैं जिन्हें फूड फायरर भी कहते हैं, और ये वाला जो है ये गीले पैरों में यूज़ किया जाता है, जब पैर गीले होते हैं तब स्क्रबिंग की जाती है, और ये वाले जो है सूखे पैरों में यूज़ किया जाता है। मैं दिखाऊँगी किस तरह से। ये तीनों, इनकी एक जगह जो होती है थोड़ी सी सख्त होती है, मतलब हार्श होती है, और एक जगह जो होती है उसकी एक साइड वो थोड़ी सॉफ्ट होती है। ये जो है नेल बफर है, इससे नेल्स के ऊपर की जो पिलाहट होती है उसको रिमूव करते हैं। ये नेल फाइलर है, ये एक तरह से, और ये भी छोटा सा बफर है, नेल बफर, और ये जो है ये क्यूटिकल रिमूवर है, ठीक है। उसके अलावा शैम्पूज़, ऑयल, वैसलीन, मॉइस्चराइज़र, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों को आगे जो है बताती जाऊँगी किस तरह से कौन सा स्टेप पहले करना है। सबसे पहला स्टेप है हमारा ये फूड फाइलर है, स्क्रबर कह लें जिसे, जिसे मैंने कहा था कि हम सूखे पैरों में यूज़ करेंगे। ये हमारे पैर इस वक्त बिल्कुल साफ़ हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पैर इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, साफ़ हैं। लेकिन जब हम इस स्क्रबर को यूज़ कर रहे हैं तो ये वाइट कलर का पाउडर की तरह निकल कर गिर रहा है। ये देखिए, ये सिर्फ मेरे पैरों के साथ ही नहीं हो रहा है, कि अगर आप अपने पैरों के साथ भी करेंगे तो ऐसी ही ये वाइट वाइट जो निकल रहा है, ये जो हमारी डेड स्किन है ये उसको स्क्रब करके रिमूव कर रहा है। और ये अभी देखिए किस तरीके से गिर रहा है, ये आप खुद करके देखिएगा अपने पैरों में। कितने भी क्लीन हो आपके पैर, और अगर आप इस तरह से स्क्रबिंग करेंगे ड्राई पैरों में, तो ये बिल्कुल इस तरह से पाउडर की तरह निकल के गिरेगा। और इस ड्राई स्क्रबर के बाद आपके जो पैर हैं वो इतने ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे कि किसी पेडिक्योर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। इतनी बेबी सॉफ्ट हील निकल के आपके सामने आएगी, आप ये देख सकते हैं कितना सारा पाउडर निकला है। पाउडर कह रही हूँ मैं, डेड स्किन है ये जो पाउडर बनकर
निकली है, घिसा है हमने इसे तो ये पाउडर बनकर निकल रही है। और जिनकी हील्स पर क्रैक पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैक होते हैं, वो भी इसे जो है आराम के साथ कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं होती है इसमें। और ये स्क्रबर बहुत अच्छा होता है और बड़े मज़े के साथ जो ये स्क्रबिंग करता है। और पूरी हील को अच्छे से स्क्रब करें, जो नीचे तलवा है उस पर भी स्क्रबिंग करें, जो आपका ये टो है जो अंगूठा है उसके नीचे की जो स्किन है उसको भी अच्छे से स्क्रब करें, तो ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा आपका। और वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा, ये देखिए आप बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है, ये पूरे पैर पर आप कर सकते हैं। देखेंगे जो आगे का हिस्सा पूरा सोल आपका नीचे का जो तलवा है उस पर आप आराम से इसकी स्क्रबिंग करें, जितने भी डेड स्किन है वो बिल्कुल इसी तरह से पाउडर बनकर निकलेगी। और आप ये कर देखिएगा, ये देखिए कितना ज़्यादा, अक्सर मैं ये करती रहती हूँ तो इसलिए ये कम निकला है, लेकिन अगर आप करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये बहुत ज़्यादा निकलेगा। और आप देख सकते हैं मेरी हील वैसी ही इतनी चमक गई है कि किसी पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ जो है सबसे पहले एक टब ले लें, उसमें इतना गर्म पानी डाल लीजिए जितना आप बर्दाश्त कर सकें। उसके बाद उसमें शैम्पू डालें, शैम्पू मैंने यूज़ किया है, इसके चार पंप मैंने लिए हैं, आप चाहें तो शावर जेल भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक पूरा एक नींबू लेना है, उस पूरे नींबू को जो है निचोड़ लेना है पानी में, और उसके जो छिलके हैं वो भी पानी में ही डाल देने हैं, पूरा एक नींबू लेना है, ठीक है। उसके बाद हमें लेना है नमक, एक बड़ा चम्मच जो होता है वो भरकर नमक लेना है हमें यहाँ पर। और उसके बाद हमें लेना है ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप जो अवेलेबल हो आपके पास, ज़रूरी नहीं है कि कोई मखसूस कोई ऑयल हो। और यहाँ पे अब मैं पैर की मदद से इसको पूरा हल करने के बाद, मतलब मिक्स करने के बाद दोनों पैरों को इसमें डिप कर लूँगी। और काफ़ी हल्का, मतलब ठंडा पानी ना हो, तो इतना हो कि फ़ील हो आपको गर्म हो रहा है पानी। अब यहाँ देखें पैर मैंने डालने के बाद एक दूसरे से पैरों को मैं मसल रही हूँ आपस में, ये देखिए दोनों पैरों को आपस में दूसरे से मैं मसल रही हूँ, रगड़ रही हूँ। और इसको मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। पानी में डालते के साथ ही हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं करना है, कम से कम 15 मिनट रखना है। वैसे तो हमने जो ड्राई स्क्रबर किया था उससे ही हमारे जो हील हैं वो काफ़ी क्लीन हो गए थे, और तो इसलिए हमें आसानी हो जाएगी अपने फूट को और हील को क्लीन करने में। अब यहाँ एक पैर पर जो है मैं आपको जो रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी हेल्प से मैं करके दिखाऊंगी। यहाँ मेरा जो फेशियल है ग्लैमर्स गोल्ड ग्लैमर्स का, उसका क्लिंजर मैं यूज़ कर रही हूँ, उसकी हेल्प से मैं पैर की जो है क्लिंजिंग कर रही हूँ, ये देख सकते हैं आप। और जो एक पैर है उसको मैं होम रेमेडी जो होती है, होम में ही होम रेमेडी का जो स्क्रब होता है, मतलब घर में ही की जो चीज़ें होती हैं उससे स्क्रब बना के उससे मैं क्लिंजिंग करूँगी। यहाँ पहले मैं एक पैर की दिखा दूँ आपको कि जो क्लिंजर है रेडीमेड उससे मैं क्लिंजिंग कर रही हूँ। क्लिंजिंग बहुत अच्छे से करनी, जैसे देख रहे हैं मैं मसाज कर रही हूँ एक तरह से, आप चाहें तो अपने हाफ लेग तक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं जो सिर्फ आपको फूट की करके दिखा रही हूँ, लेग पर अप्लाई नहीं कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं मसाज किस तरह से कर रही हूँ, कम से कम 6 से 7 मिनट तक आप अच्छे से मसाज करिए अपने फूट की, या जब तक आपको अच्छा लगे तब तक आप मसाज कर सकते हैं। अब ये वाला फूड फाइलर मैं यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो फूड फाइलर है स्क्रबर है ये गीले पैरों पर यूज़ होता है, इसको सूखे पैरों पर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्किन जो है वो छिल जाएगी और ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इसलिए इसको गीले पैरों पर हम यूज़ करते हैं। और ये गर्म पानी में पैर रखे हुए थे 15 मिनट से, तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस फूड फाइलर की हेल्प से जो है इजी मतलब रिमूव हो जाएगी रेड स्किन हमारी। और ये जो मैं दिखा रही हूँ आपको जो बॉल है ये, इसको भी हमें क्लीन करना है। ये मेरी तो इतनी ज़्यादा ब्लैक नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ब्लैक होती है, उसके लिए हम सॉफ्ट स्क्रबर जो होता है वो यूज़ करेंगे, ये वाला जो मैंने ड्राई के लिए यूज़ किया था। जो इसकी बैक साइड है ये 2-in-1 होता है, इसकी एक साइड जो होती है थोड़ी हल्की मतलब हार्श नहीं होती है, और एक साइड जो है थोड़ी सी हार्श होती है, तो जो साइड इसकी हार्श नहीं है बहुत सॉफ्ट है उसको हम पूरे पैर पर ऊपर की तरफ स्क्रब करेंगे, देख सकते हैं आप। तो इससे जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, ये देख सकते हैं हम, ये जो बॉल है इसको मैं अच्छे से एंकल जिसे हम कहते हैं एंकल को भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी, इसके ऊपर बार बार स्क्रब करूँगी इसको, तो जो भी डेड स्किन है ऊपर की वो भी रिमूव हो जाएगी। और पूरे नेल्स के एरिया पर भी अच्छे से मैं इसको स्क्रब करूँगी। और जब हम नीचे अपना हील की तरफ स्क्रबिंग करेंगे तो पूरा जो नीचे तलवा होता है हमारा उस पर भी अच्छे से करेंगे। अब यहाँ मैंने ऑयल लिया है, ऑयल ले लें या वैसलिन अवेलेबल है तो वैसलिन ले लें, जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो ले लें, और उसको नील पर अच्छे से जो है हम अप्लाई कर लेंगे, ताकि जो नील के जो क्यूटिकल्स हैं वो भी सॉफ्ट और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो गर्म पानी में सॉफ्ट हो ही गए हैं, लेकिन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अब थोड़ी देर लगे रहने देंगे ऑयल को। अब यहाँ जो है हम देखिए स्क्रबिंग कर रहे हैं उसी सॉफ्ट एरिया से, जो इस स्क्रबर का सॉफ्ट साइड है वहाँ से हम स्क्रबिंग करें, तो इससे अच्छे से जो है हमारे क्लीन हो जाते हैं ऊपर के जो है पैर वो भी। अब ये नेल बफर है,
इससे जो है हम नेल्स के ऊपर मतलब नेल पर इसको रब करेंगे तो जो नेल की पिलाहट होती है नाखूनों पर हल्की सी पिलाहट से आ जाती है तो उससे अच्छे से जो है ये पिलाहट को रिमूव कर देगा। वाजे आपको फ़र्क नज़र आएगा, बफर जब आप यूज़ करते हैं नेल्स पर तो आपको वाजे फ़र्क नज़र आता है कि आपके जो नेल है वो क्लीन हो गए। एक एक करके वन बाय वन हम सारे नेल्स को अच्छे से क्लीन करेंगे, सब पे बफरिंग करेंगे, सब पे बफर यूज़ करेंगे मतलब, और इससे जो है हमारे नेल्स वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। जो भी पिलाहट होती है वो सारी जो है ऊपर की रिमूव हो जाएगी तो चमकते हुए साफ़ सुथरे नेल हमारे सामने आ जाएंगे। ये देख सकते हैं ऑयल हमने इसीलिए लगाया था ताकि ऑयल लगाने के बाद जब हम बफर यूज़ करें तो और ज़्यादा मज़े के साथ बफर जो है हम अप्लाई कर सकें और जो पिलाहट है वो अच्छे से रिमूव हो सके। आप चाहे तो वैसलिन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं ये ले रही हूँ, ये क्यूटिकल रिमूवर है और जो नाखूनों के साइड में जो क्यूटिकल होते हैं, जो डेड स्किन होती है एक तरह से निकली हुई होती है एक्स्ट्रा, देख सकते हैं उसको मैंने रिमूव किया। देखने में थोड़ा सा डर लगता है इसको, लेकिन हमारे पैर जब 15 मिनट तक पानी में भीगे हुए होते हैं तो हर चीज़ जो है मतलब हर स्किन सॉफ्ट हो चुकी होती है तो वो ईज़िली रिमूव हो जाती है। अभी देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा जो स्किन होती है बुरी लग रही होती है वो सारी रिमूव कर रही हूँ मैं, और वन बाय वन सारे नेल की हम जो है कर लेंगे क्यूटिकल्स या डेड स्किन कह लें वो रिमूव कर लेंगे। ये क्यूटिकल का जो ये टूल है इससे बहुत ही आसानी के साथ हो जाती है। ये देखिए आप, फिर भी थोड़ा एहतियात से करें कि कोई नुकसान ना हो जाए आपको, स्किन में ना घुस जाए क्योंकि थोड़ा सा शार्प होता है ये। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट वाला नेल मेरा रह गया, इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, नज़र आ रहा होगा आपको। अब यहाँ जो है मेरा पैर ये वाला क्लीन हो गया है, इसको मैं अच्छे से वॉश कर लूँगी। बफरिंग भी हो गई है, मसाज भी हो गई है, स्क्रबिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया है इस वाले फूड के साथ, तो मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इसके बाद जो दूसरा वाला पैर है उस पर मैं आपको करके दिखाऊँगी, होममेड क्लिनज़र मैं तैयार करूँगी, स्क्रबर कह लें उसे। और मैं एक बात और बताऊँ आपको, आप चाहें तो जो आपकी फ़ेस वॉशेज़ होते हैं, फ़ेस स्क्रब्स जो होते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। डिफरेंस आप देख सकते हैं वाजे आपके सामने, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट जो हैं वही लेकर आएँ या खसूसी इसके लिए फेशियल का सामान लेकर आएँ। मैं मेरा कहने का मकसद ये है कि जो भी घर में अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये है चीनी है, ऑयल है और इसमें शहद है, तीन चीज़ें हैं, इसको मिला के मैंने स्क्रबर तैयार किया है और इसकी हेल्प से मैं दूसरे पैर की स्क्रबिंग करूँगी। ये मेरा मकसद इसलिए कि देखें, मैं एक रेडीमेड प्रोडक्ट के हेल्प से मैंने एक पैर को जो है क्लीन किया और एक पैर को मैं घर में तैयार किया है क्लिनज़र, उसकी हेल्प से मैं मतलब क्लीन कर रही हूँ, तो दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने होगा। इसको मैं अच्छे से स्क्रबिंग करूँगी, क्लिनजिंग कह लें, स्क्रबिंग कह लें, इसमें चीनी है तो इसलिए स्क्रबिंग कह लें। चीनी अगर हम ऐड नहीं करते इसमें, बेसन ले लेते और शहद ले लेते और दूध की बलाई होती वो ले लेते तो वो क्लिनजिंग बन जाता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो अच्छे से मसाज करूँगी मैं, जब तक आप ख़ुद मुतमईन ना हो जाए कि आपका पैर साफ़ हो गया, जब तक आप आराम के साथ कर सकते हैं स्क्रबिंग क्लिनजिंग जो भी है, अच्छे से मसाज करें फिंगर्स में सब जगह। अब उसी फूड पार्लर की हेल्प से जो है मैं हील की स्क्रबिंग करूँगी अच्छे से, जो नीचे हमारा तलवा है उसको भी बहुत अच्छे से क्लीन करें, जो टो होता है, जो अंगूठा होता है उसके नीचे की जो साइड होती है उसको भी अच्छे से क्लीन करें, मतलब पूरे जो पैर है आपका उसको अच्छे से स्क्रबिंग करें आप, ताकि जो भी डेड स्किन है, जो मैल है, जो भी गंदगी है वो सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाए। जो मैंने पहला स्टेप आप लोगों को बताया था ड्राई स्क्रबर यूज़ करने का, वो बहुत बेहतरीन है, वो आप लोग ज़रूर यूज़ करिएगा, मतलब अप्लाई करिएगा। उस स्टेप से ये होगा कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए, अच्छे से पूरे फेस सॉरी पैर को अच्छे से स्क्रब कर लीजिए। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं ये आपको होम वाला भी बता रही हूँ कि जिनके पास टूल्स नहीं होते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये मैंने वो लिया है लेमन और उस पर मैंने ऑयल डाल लिया है और उसके ज़रिए मैं पूरे जो नेल्स हैं उस पर मसाज करूँगी, तो इससे जो नाखूनों की पिलाहट है वो रिमूव होगी। अगर आपके पास नेल बफर नहीं है तो आप ये वाले ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आप पूरा उसका रस बार बार निकालते जाएँ। ये देखिए, जैसे मैं स्क्वीज कर रही हूँ इसको, बार बार रस को निकालते जाएँ और स्क्रबिंग करते जाएँ, रब करते जाएँ एक तरह से, ऐसे पूरे नेल्स पर मैंने इसको रब किया है तो जो नेल्स की पिलाहट है वो सारी इसके ज़रिए जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास नेल बफर नहीं है तो आप ये वाले ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके बता रही हूँ, जो जो अफोर्ड कर सकता है वो यूज़ करे। दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, जिनके पास टूल्स नहीं हैं वो ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, और ये वाला ब्रश है
तो आप इसकी हेल्प से भी अच्छे से पैर को क्लीन कर सकते हैं। और अगर ब्रश नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेमन ने वो सारा काम कर दिया है। लेमन में ऑयल डाल के जो आपने अभी अप्लाई किया है पूरे पैर पर, रब किया है नेल्स पर और पूरे पैर पर, तो उसने टैनिंग को रिमूव कर दिया है काफ़ी हद तक, ठीक है। और अब ये स्टेप एक्स्ट्रा है, अगर आपके पास है ब्रश तो आप यूज़ करें, नहीं कर है ब्रश तो आप नहीं यूज़ करें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोनों तरीके मैंने आपको मतलब दिखा दिए यहाँ पे कि टूल्स के साथ भी और विदाउट टूल्स भी, जिनके पास टूल्स नहीं है तो वो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। अब ऑयल जो है नेल्स पर मैंने ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया है दोबारा से, ठीक है, ताकि जो भी क्यूटिकल हमें हमारे वो सॉफ्ट हो जाए और इस ब्रश की हेल्प से जो है वो रिमूव हो जाए। अच्छा, अब यहाँ इस पैर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, वॉश कर लिए हैं दोनों पैर और दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने होगा, काफ़ी हद तक सेम ही है रिज़ल्ट, आप देख लें। ये देखें, ये देखिए, एक पैर जो है मैंने रेडीमेड क्लिंजर से और टूल्स की हेल्प से जो है क्लीन किया है, और एक पैर जो है मैंने जो भी घर की चीज़ें हैं उससे मैंने क्लीन किया है। अब यहाँ जो है मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ और उसी पैर पर यूज़ करूँगी जिससे जिस पर मैंने क्लिंजिंग करी थी, इसी प्रोडक्ट की क्लिंजर यूज़ करके, तो उसी पैर पर जो है मैं मास्क अप्लाई करूँगी। और दूसरे पैर पर आप चाहें तो जो आपका फेस मास्क है, कोई सा भी फेस मास्क है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं है तो आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपका पैर जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ख़ुद नज़र आ रहा है बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, काफ़ी हद तक जो रिज़ल्ट है वो सिमिलर है। अब इसका वेट करेंगे और वॉश करेंगे। अब यहाँ जो है मेरा पैर जो है वो ड्राई हो गया है, मास्क उसको मैंने वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक सिमिलर है रिज़ल्ट, देख सकते हैं आप, मैंने जूम करके भी दिखा दिया है आप लोगों को। और अब आप कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ओले का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी बॉडी लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से मसाज करें इसके पूरे पैर की, नीचे तलवों की, एड़ियों पर, सब जगह इसको अप्लाई करें। और वैसे भी रोज़ रात को सोने से पहले जो है कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र बॉडी लोशन जो है वो ज़रूर जो है आप अप्लाई करके अपने फूड्स पर फिर सोया करें। वैसे तो फूड क्रीम्स भी आती हैं, हैंड क्रीम्स भी आती हैं, चाहें तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी अच्छा सा ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, वो भी आप जो है अप्लाई कर सकते हैं अपने फूड्स पर। उससे ये होता है कि सॉफ्ट रहती है स्किन, ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, एड़ियाँ जो है वो बहुत कम फटती हैं। तो बस ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो पता ही क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसे प्रेस करना है। अल्लाह हाफिज़।